हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस कंप्लीट किया. नाउ वी विल सी द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस. ओके, व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस? इट इज टू फाइंड एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन ऑलरेडी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. आई रिपीट, टू फाइंड एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन ऑलरेडी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. तो इस थर्ड यूज में क्या करेंगे अपन? तो इसमें आपको ये पता होगा कि कौन से टर्म्स के बीच में रिलेशन है, फार्मूला है, बट वो फार्मूला क्या है वो नहीं पता अपने को. देखो, ये पता कि फार्मूला के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं वो अपने को पता है, बट एग्जैक्ट फार्मूला क्या है वो अपने को नहीं पता. वो अपने को ढूंढना है. मतलब मैं बोलूँगा कि ऐसा एक रिलेशन बताओ पोटेंशियल डिफरेंस वी में, करंट आई में, रेजिस्टेंस आर में. तो आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर बोलोगे आप, बराबर. सो वो फार्मूला अपने को ढूंढना है, बट अपने को ये पता है कि किसके बीच में रिलेशन है, दैट इज वी आई एंड आर, राइट. सो इसके लिए तो अपन नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल से फिर स्टार्ट करते हैं. तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको. सो ये करते हैं अपन इस पे. काइनेटिक एनर्जी का करते हैं अपन, ठीक है? इट इज़ वेरी सिंपल, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन. आप क्वेश्चन लिख लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा. ओके, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. ओके, डेड्यूस द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन देम. डेड्यूस द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन देम. ओके, एग्जैक्ट रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन में ऐसे दिया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास प्रोपोर्शनलिटी, बट वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड है वो अपने को नहीं पता. तो मैं क्या लिखूँगा? एम रेस टू एक्स. मुझे कुछ नहीं पता एम रेस टू एक्स. एक्स का वैल्यू वन है कि नहीं पता, टू है कि नहीं पता, माइनस वन है, माइनस टू, कुछ नहीं पता अपने को. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी वी. तो वी का भी पावर अपने को नहीं पता, तो उसका भी मैं पावर क्या लिख ली? अननोन टर्म y लिख दिया मैंने. ओके, वी रेस टू y. ये दो ही टर्म्स दिया ना. अभी ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे अपन? कंबाइन करेंगे, ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन m रेस टू x और वी रेस टू y, दोनों को कंबाइन कर दिया. तो आई विल राइट इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k, ओके, इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल्स मैच हो रहा है, तो कांस्टेंट के लिए वे यूज सम डिफरेंट सिंबल. लेट्स से कांस्टेंट इज सी इंटू एम रेस टू एक्स वी रेस टू वाई. ओके, सो ये अपने को फॉर्मूला ढूंढना है अभी. सो अभी इसके अंदर कितने टर्म्स है? कांस्टेंट को छोड़ दो. कांस्टेंट मीन्स वो एक नंबर होगा, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो कांस्टेंट को छोड़ के कितना सिंबल्स है देखो इक्वेशन में. वी हैव थ्री सिंबल्स. वन इज काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मास और तीसरा क्या है? वेलोसिटी, बराबर. तो उसका डायमेंशंस लिख लेंगे अपन. ओके, डायमेंशंस लिख लेंगे अपन. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है देखो, वो जो अपना डायमेंशंस का जो लेक्चर है वो देखना, उसमें काइनेटिक एनर्जी का अपन ने डायमेंशंस फाइंड आउट किया है, राइट. तो उधर से मैं डायरेक्टली डायमेंशंस लिख दूंगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट एल टू टी माइनस टू, ये अपना डायमेंशंस है काइनेटिक एनर्जी का. चेक कर लो, अब चाहिए तो वर्क डन. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, बराबर आ रहा है. काइनेटिक एनर्जी का लिख लिया. मास का लिखो डायमेंशन. मास का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ जीरो, मास वन एंड टाइम जीरो, यही होता है ना डायमेंशंस. वेलोसिटी,
मीटर पर सेकेंड, मतलब एल वन मास जीरो टाइम माइनस वन मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब ये जो डायमेंशंस है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो व्हाट इज आवर इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी इंटू एम रेस टू एक्स एंड वी रेस टू वाई। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस लिखना एल टू एम वन टी माइनस टू। ओके, दिस इज इक्वेशन वन। सी इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज अ प्योर नंबर, नंबर का कोई यूनिट और कोई डायमेंशंस नहीं होता, तो नेग्लेक्ट इट। मास, मास का डायमेंशन क्या है, एल जीरो एम वन टी जीरो। मास का पावर कितना है, एक्स, तो रेस टू एक्स। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी एल वन एम जीरो टी माइनस वन। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ वेलोसिटी, वाई, तो वेलोसिटी का डायमेंशंस के ऊपर लिख देना वाई। समझ में? तो एल एच एस तो सेम ही रहेगा, नाउ आर एच एस, एल रेस टू जीरो इंटू एक्स जीरो, एम रेस टू वन इंटू एक्स एक्स, टी रेस टू जीरो इंटू एक्स जीरो। ओके, नेक्स्ट एल रेस टू वन इंटू वाई इज वाई, एम रेस टू जीरो इंटू वाई इज जीरो, टी रेस टू माइनस वन इंटू वाई इज माइनस वाई। मल्टीप्लाई किया आपने सिंपली। ओके, नाउ एल एच एस एल टू एम वन टी माइनस टू इज इक्वल टू, अभी ये दोनों का जो लेंथ टर्म है उसको उसके पावर्स ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, एल एल, बराबर, तो उसका पावर्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो लेंथ, लेंथ इज सेम, इसका पावर जीरो, इसका पावर वाई, तो पावर क्या होगा, जीरो प्लस वाई, जीरो प्लस वाई। यहाँ पे बेस मास, यहाँ पे भी बेस मास, तो एम रेस टू एक्स प्लस जीरो होगा, क्या होगा, एक्स प्लस जीरो। ओके, सिमिलरली टाइम, टाइम सेम है, जीरो माइनस वाई होगा, जीरो माइनस वाई। ओके, डायमेंशंस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिख देना, तो एल टू एम वन टी माइनस टू इज इक्वल टू एल रेस टू जीरो प्लस वाई विल बी वाई, एम रेस टू एक्स प्लस जीरो कितना होगा, एक्स, टी रेस टू जीरो माइनस वाई विल बी माइनस वाई। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लेंथ मास टाइम ऑन बोथ द साइड्स, ओके, दोनों साइड्स का पावर में पावर्स क्या करूँगा, कंपेयर कर दूंगा। सो कंपेयर करने से लेंथ का, यहाँ पे आपको लेंथ का पावर क्या मिलेगा, लेंथ इज पावर इज टू, मतलब लेंथ का पावर क्या है, वाई, मतलब इसका में इक्वल टू, मतलब सेम होना चाहिए ना, मतलब वाई का वैल्यू क्या मिला, टू। मास का पावर इधर एक्स है, यहाँ पे मास का पावर कितना है, वन, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, वन। टी को भी कंपेयर कर लो तो इधर माइनस टू, इधर माइनस वाई, मतलब फिर से वाई का वैल्यू उससे क्या मिलेगा आपको, टू, वही आएगा। मतलब क्या मिला आप लोगों को, एक्स का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया, राइट, x भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया उसमें। सो इसमें कुछ नहीं किया अपने, लाइक लेंथ का पावर कंपेयर किया, मास का मास के साथ कंपेयर किया, टाइम का टाइम के साथ अपने कंपेयर किया उसमें। सो और अपने पास कितने अननोन्स है, टू अननोन्स है, x एंड y, कोई भी दो आप कंपेयर करेंगे तो भी चलेगा, आपको आ जाएगा उसमें आंसर। ओके, अभी ये जो x और y का वैल्यू मिला है इसको अपन किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन वन में, किस में, इक्वेशन वन। सो पुट इन इक्वेशन वन, राइट, व्हाट इज इक्वेशन वन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c इंटू एम रेस टू एक्स एंड v रेस टू वाई, राइट।
एंड एक्स का वैल्यू कितना मिला 1 और वाई का वैल्यू कितना मिला अपने को 2. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू कितना मिला 2. क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि टेक कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1/2. ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को याद नहीं रखना है. अगर नहीं दिया तो छोड़ दो, सी को सी को सी लिखना बस, वहाँ पे कुछ मत लिखना. तो मैं मान रहा हूँ कि सी का वैल्यू दिया 1/2, इधर सब्सटीट्यूट करो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के जगह पे 1/2 आएगा इंटू मास एम इंटू वी स्क्वायर. आ गया ना फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. जो डेरिवेशन था वही आ गया, फॉर्मूला डिराइव किया अपन ने. ओके समझ में आ गया. सो ऐसे एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं अपन एग्जैक्ट रिलेशन, और अपने को क्या पता था, जस्ट इतना पता था कि काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड है एंड काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी. बट कैसे डिपेंड है अपने को नहीं पता, तो भी मैंने डायमेंशंस को यूज़ करके एग्जैक्ट फार्मूला निकाला है मैंने. दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ डायमेंशंस. सो डायमेंशंस लिए आना चाहिए सबको, तो फार्मूला भी अपन डिराइव कर रहे डायमेंशंस से. ओके तो समझ में आ सारे स्टेप्स, इट्स वेरी इजी. इसको आप शॉर्ट में, मैं इतना फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर के पूरा डिटेलली स्टेप टू स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट अपने को एग्जाम में इतना लेंदी नहीं, फटाफट करते जाने का, सारे स्टेप्स को स्किप करने का एकदम. ओके मैथमेटिक्स जो पार्ट रहेगा. सो और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा और अच्छे से. ठीक है, सो नोट डाउन दिस ऑल्सो, ये पूरा लिखना, वीडियो को पॉज करके आप पूरा कॉपी कर लो. ओके ओके सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग ट्राई करो कैसे करना है. ओके सो दैट इज द प्रेशर ऑफ अ राइट डाउन क्वेश्चन द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन The pressure of a liquid column depends. Pressure of a liquid column depends on height of the liquid column. Depends on height of the liquid column, comma, density of the liquid, comma, density of the liquid, and acceleration due to gravity and acceleration due to gravity. Okay, so आपको क्या दिया है कि pressure depends on height, pressure depends on density, pressure depends on acceleration due to gravity. कितने terms दिया है, 3 terms के ऊपर depend है. Right, so we'll write first step. Pressure का symbol है P, डिपेंड्स ऑन हाइट, तो h. हाइट के ऊपर एग्जैक्ट रिलेशन अपने को नहीं पता, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, h रेस टू x, हाइट रेस टू x. प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ये सिंबल है डेंसिटी का, रो, डेंसिटी इज रो. इसका पावर अपने को नहीं पता तो उसके पावर में लिखेंगे y. प्रेशर डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g. इसका पावर अपने को नहीं पता तो उसको अपन क्या लिखेंगे, z. ओके तो एच एक्स वाई जेड, कितने अननोन्स है अभी, 3 अननोन्स. तो ये तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एच रेस टू एक्स, रो रेस टू वाई, जी रेस टू जेड. प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वल्स टू लिखेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा. सो प्रेशर इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट के इनटू एच रेस टू एक्स,
रो रेस टू वाई जी रेस टू जेड। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ये इक्वेशन को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है इसमें, और पूरा होने के बाद आप के का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना, वन लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, समझ लो। टेक के इज इक्वल टू वन पूरा सॉल्व करने के बाद। तो डायमेंशंस कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना। ये हाइट है, हाइट मतलब क्या होगा, डिस्टेंस। ये डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, उससे डायमेंशंस यहाँ पे लिखो जी। व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, एक्सेलरेशन और ये जी दोनों सेम ही है, जब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आएगा तो जी सिंबल यूज करते, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा तो ए यूज करते, तो दोनों का यूनिट और डायमेंशंस तो सेम ही होगा। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो, तीन अननोन्स है तो तीनों अननोन्स आपको आ जाएगा, ट्राई करना। ओके, यू विल गेट वैल्यूज, वी विल डिस्कस दिस एग्जांपल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तभी आप देखो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है उसमें। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। दिस इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू, बाय।